पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के द्वारा आज 2 दिवसीय धरना दिया गया। स्टेशन परिसर पर बैठे रेलवे कर्मचारियों ने सरकार से अपनी मांगों को दोहराया और जल्द से जल्द पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांग को नहीं मानती है तो आने वाले समय में पूरे देश में रेल के चक्कर को जाम कर दिया जाएगा। न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त कर ओल्ड पेंशन स्कीम जो पहले से चला आ रहा था उसको चालू करने के लिए, जो बंद पड़ा हुआ है 2004 से जो बंद किया गया है उसको बिल्कुल नहीं है। हम लोग का धरना प्रदर्शन का व्यापक असर पूरे राज्य में पड़ रहा है। आप देखिए कि जहाँ जहाँ भी पेंशन की बात हो रही है वहाँ वहाँ पे सरकार के साथ साथ जो भी चुनावी प्रोपगंडा है वो सब में मुख्य मुद्दा के रूप में भी एनपीएस का लाया जा रहा है। आपका राजस्थान में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया, हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया, दिल्ली कैबिनेट भी ने अप्रूवल कर दिया है, अभी उसको लोकसभा से उसको पारित होना बाकी रह गया है। इधर आपका महाराष्ट्र सरकार ने भी न्यू पेंशन स्कीम को बोला कि ये कर्मचारियों के हित के लिए बिल्कुल नहीं है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेज जो काम कर रही हैं वो देश के लिए शहीद हो जा रही है, मरने के बाद उनको कुछ मिलना नहीं है। अगर वो रिटायर करके घर जा रहे तो उनको कुछ पैसा मिलना नहीं है, क्योंकि एनपीएस में कुछ पैसा उन लोग को मिलता नहीं है और ये बहुत बड़ा दोष है। अगर ये दोष को अगर नहीं निवारण किया जाएगा तो लोग देश के लिए जान देने को तैयार है। हमारे रेल कर्मचारी शहीद होते हैं, हमेशा हमारे देश का सैनिक शहीद होते हैं, बदले में उनका पेंशन को बंद करके न्यू पेंशन स्कीम को डाला जाए और उनको 2000-3000 का पेंशन मिले रहे लेकिन तो उससे उनका तो गुजारा बता होना नहीं होगा नहीं। तो जब तक हम विरोध नहीं करेंगे ना तब तक उसका वो हमारी मांग है जो उनके पास नहीं जाएगी। अब तक चक्का जाम करने की स्कीम आप लोग का? हम लोग का पूरा ये है कि 2024 के भीतर अगर चुनाव सरकार की है और हम लोग का पूरा जोर दबाव है कि जो बात नहीं मानती है, क्योंकि अब पूरे देश के कर्मचारी चाहे वो राज्य सरकार के हो चाहे लोकसभा सेंट्रल के हो सारे लोग आज एक मंच पर आ गए हैं और अगर देश का हमारा सरकार अगर हमारी पेंशन को नहीं मांगा तो निश्चित रूप से इस बार पूरे भारतवर्ष का रेल का चक्का जाम कर दिया जाएगा। हम लोग सरकार से बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि शौक नहीं मजबूरी है, लेकिन अगर हमारी मांग को नहीं माना गया तो ये हड़ताल ही जरूरी है।